नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। कल सुशांत सिंह राजपूत की एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट पर हड़कंप मचा रहा। एम्स की वो रिपोर्ट जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। अचानक एम्स के फॉरेंसिक हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता के हवाले से कई न्यूज चैनल्स और न्यूज वेबसाइट्स पर खबर आई कि सुशांत सिंह राजपूत की फॉरेंसिक रिपोर्ट में लिखा है कि सुशांत ने आत्महत्या की थी और मर्डर की थ्योरी को रूल आउट किया जा रहा है। इंडिया टुडे, आज तक, इंडिया टीवी, जी न्यूज, एपीबी न्यूज समेत कई ऐसे बड़े न्यूज चैनलों ने इस खबर को चलाया और एक माहौल बना दिया कि सुशांत का केस सिर्फ एक आत्महत्या का मामला था। सुशांत के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे लोगों के लिए यह खबर वाकई में दिल तोड़ने वाली थी। लेकिन रिया गैंग के खेमे में जश्न मनना शुरू हो गया था। कई चैनलों ने तो बेशर्मी की हदें पार करते हुए रिया के लिए इंसाफ की मांग तक कर दी। रिया के वकील सतीश मानशिंदे ने कहा कि सच को नहीं बदला जा सकता, सत्यमेव जयते। सतीश मानशिंदे ने ठीक ही कहा था कि सच को नहीं बदला जा सकता, इसीलिए देर रात तक ये साफ हो गया कि ये खबर सच नहीं है, क्योंकि अब तक ना तो एम्स की ओर से और ना ही सीबीआई की तरफ से इस खबर की कोई पुष्टि की गई है और ना ही किसी तरह का कोई खंडन किया गया और ना ही कोई स्टेटमेंट उनकी तरफ से जारी किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि ये खबर अगर कंफर्म नहीं थी तो क्यों मीडिया में आई, किसने ये खबर फैलाई और इसके पीछे मकसद क्या था? क्या सच में डॉक्टर सुधीर गुप्ता की तरफ से ये खबर मीडिया तक पहुंचाई गई थी? क्या एम्स के सोर्सेज ने ये खबर जानबूझकर लीक कर ध्यान भटकाने की कोशिश की थी? क्या सीबीआई वाकई अब हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले के तहत सुशांत की मौत की जांच करेगी? तो इसका जवाब सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील विकास सिंह ने दे दिया है। उन्होंने कहा है कि एम्स की रिपोर्ट कोई कंक्लूसिव रिपोर्ट नहीं है। सीबीआई जो चार्जशीट फाइल करेगी वो मर्डर केस की ही करेगी। एम्स की टीम के पास सुशांत के पैर का एक्सरे नहीं था। उन्होंने कहा कि एम्स की रिपोर्ट कंक्लूसिव नहीं है। सीबीआई जो चार्जशीट फाइल करेगी वो मर्डर केस की ही करेगी। एम्स की टीम के पास सुशांत के पैर का एक्सरे नहीं है, जो पैर टूटा हुआ बताया जा रहा है। उनका कहना है कि उन्होंने पेपर देखे हैं, जब इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा तब सीबीआई रिपोर्ट अपनी पेश करेगी और वही फाइनल रिपोर्ट होगी। विकास सिंह ने जो बयान दिया है वो कल एम्स की आत्महत्या की रिपोर्ट से ज्यादा लॉजिकल और प्रैक्टिकल है। क्यों, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि बीजेपी नेता और सुशांत के केस में आवाज उठाने वाले डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने भी सवाल उठाया है कि डॉक्टर सुधीर गुप्ता के बयान का कोई टेप या ऑडियो कहां है। तो पहले हम बात करते हैं डॉक्टर सुधीर गुप्ता की, जिनके हवाले से सारे चैनल से खबर चला रहे थे कि सुशांत के केस में फॉरेंसिक रिपोर्ट में लिखा गया है कि ये आत्महत्या का मामला है, हत्या का नहीं। ये वही डॉक्टर सुधीर गुप्ता हैं जिनकी टीम के हवाले से सुशांत सिंह राजपूत के वकील विकास सिंह ने कुछ दिनों पहले मीडिया को स्टेटमेंट दिया था, जिसमें विकास सिंह ने कहा था कि मैंने एम्स के डॉक्टरों को सुशांत की तस्वीरें भेजी थी, जिन्हें देखकर उन्होंने कहा था कि ये 200% मर्डर का केस है। ये वही डॉक्टर सुधीर गुप्ता हैं जिनकी फॉरेंसिक टीम की तरफ से सुशांत की विसरा को ठीक से प्रिजर्व ना किए जाने की बात कही गई थी। ये वही डॉक्टर सुधीर गुप्ता हैं जिनकी टीम की तरफ से कूपर अस्पताल को क्लीन चिट ना देने की खबरें आई थी। ये वही डॉक्टर सुधीर गुप्ता हैं जिनकी टीम ने कूपर अस्पताल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठाए थे कि इसमें मौत का टाइम नहीं लिखा गया है, पोस्टमार्टम रात के वक्त कम लाइट में क्यों किया गया है, सुशांत के पैर का एक्सरे क्यों नहीं लिया गया है। और ये वही डॉक्टर सुधीर गुप्ता हैं जिनकी टीम की तरफ से कहा गया था कि क्राइम सीन पर एविडेंस के साथ छेड़छाड़ हुई है। डॉक्टर सुधीर गुप्ता की टीम, जिसे सुशांत की जांच के लिए मिले सभी फॉरेंसिक एविडेंस में शुरू में गड़बड़ी नजर आ रही थी, क्या वो टीम जानबूझकर बिगाड़े गए फॉरेंसिक एविडेंस के आधार पर यह तय कर सकती है कि यह हत्या है या फिर आत्महत्या? डॉक्टर सुधीर गुप्ता वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं जो अपने 27 साल के करियर में भारत के हर हाई प्रोफाइल केस की जांच में शामिल रहे हैं, जिसमें सुनंदा पुष्कर केस, शीना वोरा मर्डर केस, निठारी केस, आरुषि केस, शिवानी भटनागर मर्डर केस, नीतीश कटारा केस, जसिका लाल केस जैसे मीडिया की सुर्खियों में रहे केसों की जांच में वो हिस्सा ले चुके हैं। लेकिन इनके साथ विवाद भी कम नहीं है। कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर केस में डॉक्टर सुधीर गुप्ता के बयान ने तहलका मचा दिया था। जनवरी 2014 को सुनंदा पुष्कर की दिल्ली के एक होटल के कमरे में मौत हो गई थी, तब यूपीए की सरकार थी। लेकिन मई में सरकार बदल गई
और डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने तब आरोप लगाया कि उन पर सुनंदा पुष्कर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये लिखने के लिए दबाव बनाया गया था कि उनकी मौत की वजह सामान्य कारणों से हुई है। गुप्ता ने सीधे सीधे थरूर और उस टाइम के स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद पर उंगली उठाई थी। उसी दौरान उन्होंने यूपीए सरकार के समय 31 जनवरी 2014 को दिल्ली में नस्लीय हिंसा में मारे गए नॉर्थ ईस्ट के छात्र नीडो तानिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बदलाव करने के लिए दबाव बनाने के आरोप भी लगाए थे। तब एम्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके इन बयानों से किनारा कर लिया था, कह दिया था कि गुप्ता जी जो भी बोल रहे हैं वो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। उस वक्त डॉक्टर गुप्ता के आरोप लगाने की टाइमिंग पर भी सवाल उठे थे। उन्होंने ये विवाद तब पैदा किया था जब उन दिनों डॉक्टर गुप्ता पर डेटा चोरी और अनियमितताओं के आरोप लगे थे। हालांकि डॉक्टर गुप्ता ने सफाई दी थी कि उन्हें डिपार्टमेंट हेड के पद से हटाने के लिए साजिश रची गई थी। डॉक्टर गुप्ता पर 4 जुलाई 2014 को हिंदुस्तान टाइम्स ने अपने एक आर्टिकल में कुछ पुलिस वालों और उनके साथ काम करने वाले सहयोगियों के हवाले से उनके मेडिकल करियर के अतीत को संदिग्ध बताया था। इसमें लिखा गया था कि 2008 में बाटला एनकाउंटर में शहीद हुए इंस्पेक्टर एमसी शर्मा को लगी गोलियों पर डॉक्टर सुधीर ने इसे पास से यानी नजदीक से मारी गई गोली बताया था, जिससे उस घटना को लेकर कंफ्यूजन पैदा हो गया था और ये सवाल उठने लग गए थे कि क्या पुलिस के लोगों ने ही अपने इंस्पेक्टर पर गोली मार दी थी। हालांकि बाद में ये साबित हो गया कि गोली आतंकवादियों ने घर के अंदर से मारी थी। 2014 में शोपियां में हुए एनकाउंटर की रिपोर्ट को भी भरोसे के लायक ना बताकर डॉक्टर गुप्ता ने विवाद पैदा किया था। हिंदुस्तान टाइम्स के इस आर्टिकल में एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने अपना नाम ना बताए जाने की शर्त पर यह बताया था कि पुलिस अपनी महीनों की मेहनत और इन्वेस्टिगेशन के बाद जैसे ही किसी नतीजे पर पहुंचने लगती है, डॉक्टर सुधीर गुप्ता एकदम उस जांच के उलट एक मेडिकल ओपिनियन मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचा देते हैं। डॉक्टर सुधीर गुप्ता पर 6 साल पहले लिखा यह आर्टिकल मैं आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि सुशांत के केस में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आपको नहीं लगता कि डॉक्टर गुप्ता की टीम से आ रही खबरों के आधार पर जब यह कहा जाने लगा था कि सीबीआई जल्दी ही नतीजे पर पहुंच जाएगी, लेकिन जैसे ही रिपोर्ट देने का वक्त आया, डॉक्टर सुधीर गुप्ता के हवाले से मीडिया में जो खबरें आई वो जांच के एंगल से एकदम उल्टी हैं। तो क्या यह खबर जानबूझकर फैलाई गई? लेकिन यहां मैं आपको बता दूं कि सीबीआई सिर्फ एम्स की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर चार्जशीट तैयार नहीं करेगी। इसके लिए आपको मैं याद दिला दूं कि सीबीआई के पास जांच के लिए और क्या क्या चीजें हैं। फॉरेंसिक जांच के लिए एम्स को की टीम को जो उन्होंने विसरा ऑटोप्सी के अलावा जो सुशांत के कपड़े दिए थे वो तो थे ही, फंदे के लिए इस्तेमाल किया गया हरा कपड़ा भी फॉरेंसिक टीम को दिया गया था, लेकिन इसके अलावा सीबीआई के पास सुशांत के 3 मोबाइल फोन्स और लैपटॉप हैं, वो ग्लास है जिसमें सुशांत के जूस पीने का दावा किया गया था। सुशांत के घर और फार्म हाउस से बरामद उनकी डायरीज हैं। 13 और 14 जून की सीसीटीवी फुटेज भी सीबीआई के पास है। रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती और इस केस से जुड़े सभी लोगों की सीडीआर भी है, उनके कॉल रिकॉर्ड्स भी हैं। इसके अलावा गवाहों के बयान की कॉपीज भी सीबीआई के पास है। पिछले दिनों जो चश्मदीद सामने आया था जिसने ये दावा किया है कि उसने 13 जून की रात को रिया और सुशांत को साथ में देखा था, उसकी भी जांच की जा रही है। दिशा सालियान की मौत के साथ भी सीबीआई सुशांत के केस को जोड़कर देख रही है, क्योंकि सुशांत की बहन और सिद्धार्थ पिठानी दोनों ने ही कहा था कि सुशांत दिशा की मौत की खबर सुनकर बहुत डर गए थे और वो कह रहे थे कि वो लोग मुझे भी मार देंगे। इन बयानों को भी सीबीआई ने नजरअंदाज नहीं किया है और वो लोग जो रिया के लिए इंसाफ मांग रहे एक बार फिर उछलने लगे हैं, उनकी उम्मीदों पर फिर से पानी फिरेगा जब ड्रग्स केस में एनसीबी के शिकंजे में फंसी रिया को सीबीआई अब हत्या के मामले में भी आरोपी बनाएगी। आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में तो वो पहले से ही आरोपी है, इसलिए उसके वकील सतीश मानशिंदे को सच सामने आने का इंतजार करना ही चाहिए, जिसके बाद सारा देश बोलेगा सत्यमेव जयते। अब आखिर में एक बात पर आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं कि ऐसा क्या हुआ कि एम्स या सीबीआई से किसी भी तरह के कोई आधिकारिक बयान आने से पहले ही कई न्यूज चैनल्स एम्स के हवाले से सुशांत की मौत को आत्महत्या बताने लगे? तो ये सब टीआरपी का खेल है। सुशांत सिंह राजपूत के केस को मुहिम बनाने वाले रिपब्लिक टीवी को जनता ने नंबर 1 बना दिया,
लेकिन बाकी चैनल्स इस मामले में कभी कोई स्टैंड ढंग से नहीं ले पाए, तो इसका उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब हाथरस के केस पर जहां विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, वहीं मेन स्ट्रीम चैनल्स अपनी खोई टीआरपी टटोल रहे हैं। तो क्या सुशांत के केस से ध्यान भटकाने के लिए एम्स की रिपोर्ट का ये सारा प्रपंच रचा गया, जिससे लोग रिपब्लिक को छोड़कर बाकी चैनलों की तरफ भी ध्यान दें? हालांकि वहां भी मामला गड़बड़ा गया है, क्योंकि रिपब्लिक टीवी ने वो टेप दिखा दिए हैं जिसमें रिया गैंग के साथ खड़े मीडिया हाउस अब कांग्रेस के साथ मिलकर हाथरस की बच्ची की चिता पर रोटी सेकते एक्सपोज हो चुके हैं, जो बेहद शर्मनाक है। रिपब्लिक टीवी अभी एक और बड़ा खुलासा करने जा रहा है, जिसे लेकर उसका दावा है कि सुशांत का केस दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, इंसाफ की लड़ाई अगर सच और भरोसे के साथ लड़ी जाए ना, तो जनता दिल से साथ में खड़ी हो जाती है, और सुशांत सिंह राजपूत का केस इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। और सिर्फ अपने फायदे के लिए लड़ने का नाटक नौटंकी की जाए ना, तो सिर्फ और सिर्फ फजीहत होती है, जो हाथरस के केस में फ्रेंडली मीडिया के साथ हो रहा है। तो भरोसे को बनाए रखिए और सीबीआई के ऑफिशियल रिपोर्ट आने का इंतजार कीजिए। सच की जीत जरूर होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।